हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, मुझे बहुत सारी कमेंट आ रही है कि गूगल मीट पे हमें अपने ऑटो पार्टिसिपेंट ऐड करने हैं। मतलब अभी क्या होता है कि जैसे आपने मीटिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, कोई और उस मीटिंग को ज्वाइन करना चाहता है तो वो जब रिक्वेस्ट भेजता है तो आपके पास मैसेज आता है कि आप उनको ऐड करना चाहते हो कि नहीं, तो ऐड करना पड़ता है आपको। तो बहुत लोगों को ऐसा प्रॉब्लम हो रही है मीटिंग के टाइम, भाई इशूज आते ही आते, जब बार बार रिक्वेस्ट आ रही है ऐड करने करने में, तो आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होता है। तो अगर आप चाहते हो कि वो जो भी रिक्वेस्ट आती है वो ऑटो ऐड हो जाए, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं कंसल्टी आरके चैनल। तो गाइस, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं। मैं अब आपको दो ऑप्शन बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप ऑटो पार्टिसिपेट को ऐड कर सकते हो। पहले ऑप्शन में क्या होगा कि आपको अपने जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप उनको ऑटो पार्टिसिपेट ऐड कर पाओगे। और दूसरे ऑप्शन में आपके पास अगर आपकी उनकी ईमेल आईडी वगैरह नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अपनी मीटिंग की जो आईडी होती है वो शेयर कर दोगे, उसी से वो ऑटो एडमिट हो जाएंगे। बस उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए, मैं दोनों ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए, मैं आप सबसे पहले आपको पहला ऑप्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ जिसमें आपको ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस, सिंपली आप अपना गूगल मीट जो है वो आप ऑन कर लोगे। मैं चलिए फटाफट से एक मीटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि गूगल मीट की मीटिंग कैसे स्टार्ट करना है, उसका ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो देख लो। तो गाइज, चलिए मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ मीटिंग को। तो गाइज, ये देखिए, ये ऑप्शन आ रहा है, यहीं से सारी चीज़ें करनी है। तो अभी क्या है, सिंपली जब आप कॉपी ज्वाइन इन्फो है ये आप भेजते हो सबको, ठीक है, ये भेजते हो। उसके बाद जो ये आगे का कोड है ये लोग डाल के आपकी मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। जब ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एडमिट करके ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन आता है कि आपको उनको एडमिट करना है या नहीं है। तो वो आपको नहीं करना है ऑप्शन। उसके लिए जो पहला सोल्यूशन है उसमें क्या करना है आपको, ऐड सोल्यूशन, ये ऐड पीपल जो दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करोगे। और गाइज, यहाँ पे आपको जिनकी आपके पास ईमेल आईडी है उनको ऐड कर लोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इनको ऐड कर लिया है, जिनको भी ऐड करोगे और ये सेंड ईमेल करके जो इन्विटेशन भेजोगे, उसके बाद उस इन्विटेशन लिंक से जो लोग भी ऐड करेंगे आपकी इस मीटिंग को, उनको आपको ऐड ए पार्टिसिपेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, वो डायरेक्टली आपकी मीटिंग को ऐड कर लेंगे, कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। गाइज, ये हो गया पहला प्रोसेस। अब जो सेकेंड प्रोसेस है उसमें आपको, फॉर एग्जाम्पल आपके पास भाई ईमेल आईडी नहीं है, बहुत केसेस में सबकी ईमेल आईडी नहीं होती, तब सिंपली आप क्या करते हो, ये आप कोड उनको शेयर करते हो, ठीक है। अब उस कोड में वो लोग क्या करते हैं, जब मीटिंग को ज्वाइन करते हैं ये पासवर्ड डालते हैं। तो अब उस केस में आपको क्या करना है, जब आपके पास किसी की ईमेल आईडी नहीं है तो सिंपली आप क्या करोगे, अपने गूगल में आओगे। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको वो चीज़ करनी है, ठीक है। तो गाइस, आप क्या करोगे, गूगल पे आओगे और यहाँ पे टाइप करोगे क्रोम वेब स्टोर, ठीक है, क्रोम वेब स्टोर टाइप करोगे, ये आ गया। अब ये पहले लिंक आ रही है, इसको हम कर लेंगे ओपन। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे गूगल मीट ऑटो एडमिट। तो गाइस, ये पहला ऑप्शन आ रहा है गूगल मीट ऑटो एडमिट, इस पे हम कर देंगे क्लिक। यहाँ पे देखिए कई सारे एक्सटेंशन आपको दिखने लगे। तो गाइज, ये आपको जो ये हैंड वाला एक्सटेंशन दिख रहा है ऑफर्ड बाय, ये देखिए ये ईमेल आईडी भी दी हुई है, ये आप चेक कर लेना। इसको क्या करना है, हमको करना है ऐड, ऐड टू क्रोम पे कर देंगे और ऐड एक्सटेंशन, ये ऑप्शन आ रहा है, सिंपली यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन कर देंगे तो ये हो जाएगा ऐड। ये देखिए यहाँ पे चेक हो रहा है, अभी हो जाएगा ये ऐड। तो गाइज देखिए, ये हो गया यहाँ पे ऐड, ठीक है। यहाँ पे जो ये एक्सटेंशन ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए ये आ रहा है गूगल मीट ऑटो एडमिट, ठीक है, इसको हम कर लेंगे पिन। जब आप इस पे क्लिक करोगे पिन, तो देखिए ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ये एक्सटेंशन आपका पिन हो जाएगा आपके यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पिन कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, नई मीटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम आएंगे और गूगल पे जाएंगे, जैसे हमको मीटिंग स्टार्ट करना होता है वो हम कर लेंगे। सिंपली आप अपनी मीटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हम करेंगे न्यू स्टार्ट एंड न्यू मीटिंग, ज्वाइन नाउ करके ये हो गई हमारी मीटिंग स्टार्ट, ठीक है। ये कोड आ गया, आपको सिंपली ये कोड सबको भेज देना है और जो लोग आपकी ये पासवर्ड डाल के डालेंगे वो ऑटो एडमिट हो जाएंगे। अब मैं आपको चलिए वो दिखा देता हूँ कि वो ऑटो एडमिट होंगे कैसे। मैं एक अपने मोबाइल से यहाँ पे मैं एक ऐड करता हूँ एक पार्टिसिपेंट, ठीक है, वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, जो एक ही पार्टिसिपेंट है, तो हम चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक मोबाइल से दिखा देता हूँ। तो गाइज, ये मैंने बैक साइड में अपना मोबाइल ओपन कर लिया है, चलिए मीटिंग ज्वाइन करता हूँ मैं, ये कोड डाल देता हूँ, कर देता हूँ ज्वाइन मीटिंग। अब ये आस्क टू ज्वाइन मांग रहा है, चलिए मैं कर देता हूँ आस्क टू ज्वाइन पे क्लिक। अब वहाँ पे देखिए आप,
तो गाइस ये देखिए, आपने जैसे ही देखा फट से ऑप्शन तो पूछा था उसने, लेकिन थोड़ा सा वेट करने पे थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब कुछ सेकंड के बाद ये ऑटो एडमिट हो गया है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, ये ऑप्शन आया और तुरंत ही ये ऑटो एडमिट हो गया। ये जैसे हम वहाँ पे आर्क्स टू ज्वाइन करते हैं, उसके विद इन 5 सेकंड बाद ये ऑटो एडमिट हो जाता है। 5 सेकंड तक लेता है, बट ठीक है, ये ऑटो एडमिट हो जाता है, आपको एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसा आपने ये देखा। तो गाइस होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, अगर अभी भी कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आप मुझे पर्सनली भी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं वहाँ पे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।